नमस्कार दोस्तों, मेडिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमक। स्टोमक जो होता है उसके साइनोनिम्स होते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है आज का स्टोमक है। स्टोमक जो होता है उसके कुछ साइनोनिम्स होते हैं, इसको कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है। जो गैस्ट्रो टर्म है इसको हम जब स्टमक से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ एडजेक्टिव के रूप में लगाते हैं, जैसे कि आपका जो स्टमक से जो जूस सीक्रेट होता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इस तरह से तो जो एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स, तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज करते हैं जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स स्टमक से रिलेटेड होते हैं उनके साथ में हम गैस्ट्रिक एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो दोस्तों, स्टमक का जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टमक जो है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है एब्डोमेन में, जो कि इसोफेगस का एक सबसे डिस्टेंडेड पार्ट होता है या फूला हुआ पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है कि हमारे जो GIT ट्रैक्ट जो होता है उसका सबसे डिस्टेंशन वाला मतलब फूलने वाला भाग होता है ये। और ये एक रिजर्वायर और जो हमारा फूड होता है उसे पचाने के लिए उसका काम करता है स्टमक। तो देखते हैं हम इसकी पोजीशन वगैरह क्या होती है हमारे शरीर के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो स्टमक होता है वो बॉडी में कहाँ लाई होता है, किस तरह से होता है देखते हैं। हमारा जो स्टमक है वो बॉडी में ऑब्लिकली सिचुएटेड होता है। जैसे जो ये हमारा जो 9 क्वाड्रेंट्स हमने डिवाइड करते हैं एब्डोमेन को, तो ये जो स्टमक होता है वो ऑब्लिकली किस तरह से हमारे एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है। ये एपिगेस्ट्रियम को कवर करता है, उसके बाद में ये अम्बिलिकल रीजन को कवर करता है, और जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है उसको कवर करता है। तो किस तरह से ये होता है, इस तरह से ये स्टमक होता है। तो ये आपका अम्बिलिकल रीजन को कवर करता है, एपिगेस्ट्रियम रीजन को कवर करता है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जो होता है इसको कवर करता है। और ये ऑब्लिकली सिचुएटेड होता है, और ज़्यादातर ये इसका जो भाग होता है ये जो हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं और रिब्स होते हैं उनके पीछे ये सिचुएटेड होता है। इस तरह से ये डायग्राम जैसे आप देख रहे हैं, ये एपिगेस्ट्रियम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्बिलिकल रीजन को कवर कर रहा है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन इसका जो शेप होता है, जो स्टमक है इसका जो शेप है, जब ये डिस्टेंडेड नहीं होता है तो इसका शेप जे कैपिटल वर्ड जो इंग्लिश का जे होता है स्मॉल जे उसके जैसा होता है इसका शेप। जब ये डिस्टेंडेड होता है तो पायरीफॉर्म्स का शेप हो जाता है, और जब ये डिस्टेंडेड रहता है या जो ओबेस पर्सन रहते हैं उनमें ये मोर हॉरिजॉन्टली होता है। ऐसे ये ओब्लिकली होता है, लेकिन जो ओबेस पर्सन होते हैं उसमें ये मोर हॉरिजॉन्टली होता है। इसका जो साइज है, स्टमक का जो साइज होता है, साइज जो होता है स्टमक का वो 25 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। और उसके बाद में इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी इसकी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें इसकी कैपेसिटी 1 ounce होती है जो कि 30 ml के बराबर होती है। इसके बाद में जो प्यूबर्टी के समय पे
कन्वर्टिंग के समय पे इसकी कैपेसिटी जो होती है 1000 ml की समथिंग होती है, और इसकी कैपेसिटी ओल्डर एजेस में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर से 2 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। तो ये इसका आकार था। जो स्टमक है वो जे आकार का होता है, स्मॉल लेटर इंग्लिश का जो होता है उसके ऐसा होता है, और जो ओबेस पर्सन रहते हैं उसमें ये ऑब्लिक के लिए ना होकर के और मोर हॉरिजॉन्टली होता है, इस तरह से होता है। और इसका जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। कैपेसिटी इसकी जो है वो न्यूबॉर्न में, ये न्यूबॉर्न में है, न्यूबॉर्न में 30 ml वन ऑन्स होती है। प्यूबर्टी के समय पे ये 1000 ml हो जाती है। ओल्ड एजेस में 2.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी होती है स्टमक की। इसके बाद में हम देखते हैं इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। दोस्तों इसके एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं, पहले इसमें होता है 2 ओपनिंग्स होती है स्टमक में, जिन्हें ओरिफिस भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें 2 बॉर्डर्स होती है, जिन्हें हम कर्वेचर भी कहते हैं। उसके बाद इसमें तीसरे नंबर पर 2 सरफेसेस होती है, जो हमारा ओपनिंग्स है। 2 ओपनिंग्स कौन सी होती है इसमें, जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो ओपनिंग होती है एक ऊपर और एक ये नीचे, तो जो सुपीरियरली होती है कार्डियक ओरिफिस बोलते हैं इसको, और ये जो दूसरा होता है ये होता है पाइलोरी ओरिफिस। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है कार्डियक ओरिफिस। दोस्तों कार्डियक ओरिफिस जो होता है ये सिचुएटेड होता है जो ओसोफेगस होती है उसके लोअर एंड जो होता है उससे कनेक्टेड होता है। उसके बाद में इसका जो सिचुएशन होती है, ये जो 7th कोस्टल कार्टिलेज होती है, 7th कोस्टल कार्टिलेज जो होती है उसके ये पीछे सिचुएटेड होता है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द जॉइंट ऑफ स्टर्नम। 7th कोस्टल कार्टिलेज जहां पर स्टर्नम से जुड़ी होती है उससे 2.5 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस होती है, और एट द लेवल ऑफ थोरेसिक 11 वर्टिब्री जो होती है उसके लेवल पर ये सिचुएटेड होता है। तो जो कार्डियक ओरिफिस है ये ओसोफेगस का जो लोअर एंड होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। 7th कोस्टल कार्टिलेज जो होता है उसके पीछे सिचुएटेड होता है 2.5 सेंटीमीटर जॉइंट ऑफ स्टर्नम, जहाँ पर की कोस्टल कार्टिलेज जो हमारी होती है 7th रिंग वो स्टर्नम से जुड़ी होती है। 11 नंबर की जो वर्टिब्री होती है थोरेसिक उस पर ये जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से जो कार्डियक ओरिफिस है ये सिचुएटेड होता है। इसके बाद में जो आपका दूसरा ओरिफिस होता है जो पाइलोरिक ओरिफिस होता है आपका,
पायरोनिक ओरिफिस होता है जो कि ड्यूओडेनम जो होती है उसमें खुलता है, सेकंड जो है आपका पाइलोरी, पाइलोरिक ओरिफिस जो है आपका वो ड्यूओडेनम में ओपन होता है, उसके बाद में ये 1.2 सेंटीमीटर की 1.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होता है जो मीडियन प्लेन है बॉडी का, मीडियन प्लेन जो है उससे 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर टू द राइट की साइड में, ये लेफ्ट साइड है बॉडी का, ये राइट साइड है मीडियन प्लेन है, तो ये राइट साइड पर इससे सिचुएटेड होता है। और इसकी जो लेवल होता है वो होता है एलिवेट वर्टिब्री जो होती है, वर्टेब्रा जो होती है L1 वर्टेब्रा, इसके लेवल पर ये सिचुएटेड होता है पाइलोरिक ओरिफिस। दो कर्वेचर्स होते हैं, तो कौन कौन से कर्वेचर्स होते हैं इसमें, नंबर वन होता है लेजर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर जो होता है या इसकी जो लेजर बॉर्डर होती है वो ये होती है कौन, ये कॉनवेक्स होती है, कॉनकेव होती है, और जो ये है लेजर कर्वेचर जो होता है वो लेजर मोमेंटम जो होता है, लेजर मोमेंटम इसे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा था लेजर मोमेंटम को, जो है लेजर कर्वेचर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और इसमें एक जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है एंगुलर नॉच, इसमें एंगुलर नॉच होती है। और उसके बाद में जो दूसरा कर्वेचर होता है वो होता है ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ये कॉन्वेक्स होता है, जो ये देख रहे हैं यहाँ मेरे बॉर्डर, ये जो है इसकी बॉर्डर ये कॉन्वेक्स होती है, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है निम्नलिखित जो लिगामेंट्स है, जो ग्रेटर मोमेंटम है, पहला जो लिगामेंट है वो ग्रेटर मोमेंटम, दूसरा जो है वो है गैस्ट्रो स्प्लेनिक, तीसरा जो है गैस्ट्रो दोस्तों। इसमें एक और मेन फीचर पाया जाता है जिसे हम कार्डियक नोच कहते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कार्डियक नोच है, कार्डियक नोच। तो इस तरह से ये दो कर्वेचर होते हैं, लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर, ये लेजर कर्वेचर जो कि कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, और ग्रेटर कर्वेचर जो कि कॉनवेक्स होता है और ये बड़ा होता है, इसलिए इनके नाम भी है, जैसे ये छोटा होता है इसमें हम लेजर कर्वेचर, और ये बड़ा होता है इसलिए ग्रेटर कर्वेचर। इसके बाद में इसमें आती है दो बॉर्डर्स, तो वो कौन कौन सी देखते हैं हम, दो
सरफेस जो होती है उसमें पहली जो होती है एंटीरियो सुपीरियर सरफेस, एंटीरियो सुपीरियर, इंटीरियर सुपीरियर सरफेस जो होती है ये डायरेक्टेड होती है फ्रंट में इंटीरियरली और सुपीरियरली, इसलिए इसका नाम है इंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर। और दूसरी जो होती है पोस्टीरियर बॉर्डर या फिर पोस्टीरियर सरफेस या पोस्टीरियो इंफीरियर सरफेस, क्योंकि ये सरफेस जो होती है ये पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होती है और डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होती है। इसके बाद जो स्टमक होता है उसकी जो सरफेस होती है वो कुछ और पार्ट में फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो किस तरह से स्टमक जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे आपको पता है एक कार्डियक और पाइलोरिक, जो कि जो इंसुसुरा एम्बुलेरी जो होती है ना, यहाँ से अगर हम डाउनवर्ड से लाइन खींचें, यहाँ से अगर हम डाउनवर्ड से और लेफ्ट की तरफ एक लाइन खींचें तो स्टमक जो है वो दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है, एक कार्डियक भाग, ये जो कार्डियक भाग होता है, और एक होता है पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसके बाद में जो बड़ा वाला कार्डियक भाग है ये फिर से सब डिवाइडेड होता है दो भाग में, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे तो ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है, एक तो जो बड़ा वाला छोटा वाला पार्ट होता है ये फंडस कहलाता है, और जो दूसरा भाग होता है ये बॉडी ऑफ स्टमक कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है। उसके बाद में जो दूसरा छोटा वाला पाइलोरिक भाग होता है ये भी दो भागों में बटा हुआ है, जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पाइलोरिक इंटरनल कहलाता है, पाइलोरिक इंटरनल कहलाता है, और ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये पाइलोरिक कैनाल कहलाता है। तो इस तरह से ये स्टमक जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो रिलेशंस होते हैं स्टमक के वो क्या क्या हैं। इसके दो तरह से रिलेशंस होते हैं, नंबर एक होता है पेराइटल रिलेशंस, दूसरा होता है इसका विसरल रिलेशंस। इसका जो पहला है पेराइटल रिलेशंस, जो स्टमक होता है वो इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर जो सर्फेसेस होती है उन दोनों में जो पेरिटोनियम होता है उसके द्वारा लाइंड होता है, और जो पेरिटोनियम होती है इसके जो लेजर कर्वेचर होता है यहाँ पर ये जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो पेरिटोनियम होती है पेरिटोनियल लेयर वो एक दूसरे से मिलती है, और मिलने के बाद में ये एक लिगामेंट बनाती है, लिगामेंट जिस लिगामेंट का नाम होता है गैस्ट्रो स्प्लेनिक, सॉरी इस लिगामेंट का जो नाम है इस लिगामेंट का नाम होता है लेजर ओमेंटा। तो जो
एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जो पेरिटोनियल होती है वो आपस में मिलकर लेजर कर्वेचर पे लेजर मोमेंटम बनाती है, और जो ग्रेटर कर्वेचर जो होता है, ग्रेटर कर्वेचर
जो होती है वो निकलती है, स्पेरिनिक आर्टरीज के पोस्टीरियर में होती है। उसके बाद में इसमें होता है ट्रांसवर्स मेसोकोलम, ये जो है ट्रांसवर्स मेसोकोलम है। इसके बाद में इसमें का इसके पोस्टीरियर रिलेशन में ये जो है ट्रांसवर्स कोलन है। तो इसका जो अगर हम नामकरण करें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो ये आपका सबसे पहला स्प्लीन, स्प्लीन होता है। इसके पोस्टीरियरली में लेफ्ट किडनी होती है, इसके बाद में लेफ्ट सुप्रारीनल, सुप्रारीनल ग्लैंड होती है। इसके बाद में सीलिया ट्रंक, स्प्लीनिक आर्टरी, ट्रांसवर्स मेसोकोलम, जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तो इस तरह से इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पोस्टीरियरली स्टमक के पोस्टीरियरली पाए जाते हैं। ये इसका डायग्राम है और ये हमने इसके कौन कौन सा आर्गन्स पाए जाते हैं ये भी है। ब्लड सप्लाई ऑफ, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक जो होता है वो किस तरह से होता है वो देखेंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक के लिए हम फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं कि समझते हैं तो ज्यादा इजीली रहेगा। तो ये हमारा स्टोमक है, तो ब्लड को जो सप्लाई, सॉरी स्टमक जो है उसको जो सप्लाई मिलती है वो नंबर पहला होता है कोलिक सीलिया ट्रंक जो होता है, इसकी कुछ ब्रांचेस होती है जिसके द्वारा इसको ब्लड सप्लाई मिलती है। तो सीलिया ट्रंक से डायरेक्ट ब्रांच निकलती जो राइट, इससे फिर कई ब्रांचेस निकल के जो है स्टमक को सप्लाई करी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इसके जिसे कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ब्रांच होती है सीलिया ट्रंक की। इसके बाद में एक ब्रांच निकलती है जो कि स्टमक को सप्लाई करती है, ये जो है ये बनाती है लेफ्ट, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो होती है ये हेपेटिक, जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है ये। उसके बाद में यहां से जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो होती है, ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, गैस्ट्रो
एस्ट्रो डियो टूनल आर्टरी। तो इसकी जो ब्रांच होती है ये गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बनाती है, ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। उसके बाद में ये जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है, स्प्लीनिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है ये लेफ्ट, जो कि लेफ्ट गैस्ट्रो एपी एपिप्लोइक आर्टरी बनाती है। इसके बाद में इसकी कई स्मॉल शॉर्ट ब्रांचेस होती है जो कि स्टमक को सप्लाई करती है, 5 to 7 शॉर्ट ब्रांचेस होती है जो इसे ब्लड सप्लाई करती है स्टमक को। तो इस प्रकार से इसकी सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है। इसके अंदर से कुछ वेन्स होती है, स्टमक होता है इसकी वेन्स कौन कौन सी सप्लाई करती है, तो इसमें 3 वेन जो होती है वो इसको सप्लाई करती है। पहली जो है, पहली वेन आपकी है पोर्टल, पोर्टल वेन, दूसरी है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, और जो तीसरी है वो है स्प्लीनिक वेन। ये 3 वेन जो होती है स्टमक को सप्लाई करती है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है स्टमक का वो क्या किस तरह से होता है, कौन कौन से नोड्स होते हैं जिनसे ड्रेनेज होता है स्टमक से लिम्फ, लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसके लिए हम दोस्तों पहले स्टमक का एक डायग्राम बनाते हैं चित्र। दोस्तों ये स्टमक है आपका, तो ये स्टमक बताए इसमें इसके हम चार कुछ पार्ट्स में जो होता है डिवाइडेड होकर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो इसमें कुछ एरियाज होते हैं, तो इसमें कौन कौन से एरियाज, जो लेफ्ट वाला अपर वन थर्ड है, ये लेफ्ट अपर वन थर्ड है, ये लेफ्ट लोअर वन थर्ड है, ये राइट 2/3, उसके बाद में ये पाइलोरिक पार्ट है, इनको नाम दिए गए ए, इसको बी, ये सी और ये डी। तो इस प्रकार से ये एरिया डिवाइडेड किए गए हैं और इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो एरिया ए है इसका ड्रेनेज जो होता है, यहाँ पर एक लिम्फ नोड्स होते हैं, इनको पैंक्रियाटो
ग्रीन टी को स्प्लीनिक लिम्फ नोड से ड्रेन होता है, एरिया ए का जो लिम्फेटिक है वो इसमें ड्रेन होता है। उसके बाद में दूसरा जो होता है एरिया बी, इसका जो ड्रेनेज होता है वो लेफ्ट जो लोअर वन थर्ड है इसमें, यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये है राइट लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड। तो जो लोअर राइट वन लेफ्ट वन थर्ड है उसका जो लिम्फ है वो इसमें लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। उसके बाद में जो एरिया सी है जो राइट टू थर्ड होता है स्टमक का वो ड्रेन होता है राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में। ये है ये लिम्फ नोड है ये राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, इनमें इसका जो लिम्फ है वो ड्रेन होता है। उसके बाद में ये पाइलोरिक एंड जो है पाइलोरिक एरिया जो है यहाँ पर पाइलोरिक लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, इसमें इसका जो लिम्फ है वो ड्रेन होता है। दोस्तों इसके बाद में जब ये जैसे ए एरिया से लिम्फ जो है वो ड्रेन होकर इसमें आता है तो ये फाइनली जो है वो उसके बाद में ड्रेन होने के बाद में यहाँ सीलियक नोड्स होते हैं तो जो ड्रेन होकर जो लिम्फ इसमें आया है वो बाद में फिर वापस ये सीलियक लिम्फ नोड में चला जाता है। इसी तरह से जो एरिया सी का जो लिम्फ है वो भी राइट गैस्ट्रिक नोड्स जो होते हैं लिम्फ नोड उनसे सीलियक ट्रंक में आता है। इधर एक और लिम्फ नोड्स होते हैं जिन्हें हेपेटिक लिम्फ नोड बोलते हैं, हेपेटिक लिम्फ नोड्स। तो जो लिम्फ यहाँ बी से ड्रेन होकर लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिम्फ नोड्स में आया है उससे जो लिम्फ है वो ड्रेन होकर फिर ये इसमें पाइलोरिक लिम्फ नोड से पाइलोरिक एरिया वाले उसमें जाता है, फिर इससे ये हिपेटिक लिम्फ नोड्स में जाता है, फिर फाइनली हिपेटिक लिम्फ नोड से ये इसमें चला जाता है, वो डायरेक्ट इसमें भी ये जाता है। तो इस तरह से जो स्टमक होता है इसकी लिम्फ सप्लाई होती है। ये आपका डायग्राम के द्वारा काफी ज्यादा समझना, तो इस तरह से ये एरिया है, चार एरिया होते हैं और इनके लिम्फ है और लिम्फ नोड्स कौन कौन से होते हैं उसके द्वारा ये ड्रेन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक। नर्व सप्लाई जो होती है स्टमक की स्टमक जो होता है इसको दो नर्व सप्लाई करती है, एक एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व इसकी दो ब्रांचेस होती है, एक ब्रांच होती है इसकी एंटीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस और पोस्टीरियर एक पाइलोरिक ब्रांचेस होती है इसकी। तो ये एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व है, उसके बाद में दूसरी होती है पोस्टीरियर, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ होती है, इससे भी दो ब्रांच निकलती है। एक सीलियक ये जो है एंटीरियर नर्व जो है इसकी
कि जो दो ब्रांचेस हैं, एक है स्मॉल गैस्ट्रिक ब्रांचेस जो कि आपके स्टमक के फंडस, ये फंडस जो है इसको और बॉडी जो होती है इसको सप्लाई करती है, फंडस और बॉडी को सप्लाई करती है। उसके बाद दूसरी जो है ये पाइलोरिक ब्रांच जो कि इसकी जो कि पाइलोरस और पाइलोरिक केनाल जो होती है उसको अप्लाई करती है। इसके बाद पोस्टीरियर जो है ये पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व है जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक जो होता है बॉडी और जो पाइलोरस होता है पाइलोरिक पार्ट उसको सप्लाई करती है। और एक ब्रांच होती है इसकी जो कि सीलियक ब्रांच होती है जो कि पाइलोरस को सप्लाई करती है और ये पैरासिम्पेथेटिक इसका ऑर्गेन होता है। और ये जो है स्टमक इसके जो मोटर सेंसेशन होते हैं और इससे स्टमक के जो इस पे इसके जो एक्टिवेशन के कारण जो स्टमक होता है उसके जो सीक्रेशंस होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है और इसकी जो स्टमक होता है इसकी मूवमेंट भी बढ़ती है। तो दो तरह की नर्व से सप्लाई होती है इसकी, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व जो है उसकी जो दो ब्रांचेस होती है, एक गैस्ट्रिक ब्रांचेस जो कि फंडस और बॉडी को सप्लाई प्रदान करती है और दूसरी होती है पाइलोरिक ब्रांच एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व की जो कि पाइलोरस भाग जो होता है पाइलोरिक पार्ट उसको नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद में पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है और नर्व जो होती है उससे दो ब्रांचेस बनती है, एक पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस और दूसरी सीलियर ब्रांच। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांच जो है वो पाइलोरस और बॉडी को स्टमक को सप्लाई करती है और सीलियर ब्रांच जो होती है वो स्टमक की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। दोस्तों अब इसके हम फंक्शन देखते हैं, स्टमक के क्या फंक्शन होते हैं। दोस्तों स्टमक जो होता है सबसे पहले तो ये फूड के लिए हमारे शरीर में हम जो खाते हैं फूड उसके लिए रिजर्वायर का काम करता है। दूसरा जो ये हमारा स्टमक होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड जो होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा उनको मिक्स करता है। तीसरा हमारे जो स्टमक होता है उसमें कई एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में स्टमक जो होता है उसके अंदर HCL सीक्रेट होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद में दोस्तों स्टमक जो होता है उसके अंदर म्यूकोसल लेयर पाई जाती है जो कि हमारा स्टमक जो होता है उसकी इनर वॉल को नुकसान होने से बचाती है ये म्यूकोसल लेयर।
क्योंकि जो हमारा स्टोमक होता है उससे एसीएल सीक्रेट होता है, तो ये एसीएल जो स्टोमक की वाल को डैमेज कर सकता है। इसके लिए इसके अंदर म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है जो कि इसको इससे बचाती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा स्टोमक जो होता है वो कुछ सब्सटेंस जैसे एल्कोहल, वाटर, इनको एब्जॉर्ब करता है। और दोस्तों हमारा स्टमक जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्बेशन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये हमारे स्टमक जो है इसके फंक्शंस थे। इस तरह से दोस्तों हमारा ये वीडियो लगभग पूरा हो गया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो देखने हैं तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।